यूपी पुलिस विकास के साथियों की तलाश में जुटी हुई है, मगर यहां आपको उज्जैन में महाकाल मंदिर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब विकास दुबे महाकाल मंदिर पहुंचा था। मंदिर में लगे 10 सीसीटीवी कैमरों के सामने से विकास दुबे गुजरा था। विकास दुबे जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे लोग उसे नोटिस करें। महाकाल के मंदिर से 10 कैमरों में दर्ज हुई ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म हो चुका है, उसकी दहशत अब सिर्फ फाइलों में है। मगर विकास दुबे के मारे जाने के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर के 10 कैमरों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखने के बाद एक बात तो साफ है कि विकास दुबे जानबूझकर कैमरों के सामने घूम रहा है। उसे जहां जहां सीसीटीवी दिख रहा है वहां वहां वो कैमरे के सामने आ रहा है। आपको इन 10 कैमरों की पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। विकास दुबे यहां गेट के भीतर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। आम लोगों की तरह ही जैसे बाकी श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को पहुंचे हैं, विकास भी बिल्कुल वैसे ही पहुंचा, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा है। मंदिर में प्रवेश के बाद विकास दुबे यहां से गुजर रहा है। वो गार्ड से पर्ची लेता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पता नहीं क्या सोचकर पीछे घूमता है, गार्ड से कुछ बात कहता है, 2 कदम आगे बढ़ता है और अपने बाएं साइड में खड़े गार्ड से भी कुछ पूछता है और फिर आगे बढ़ जाता है। विकास दुबे गेट के भीतर घुसता है, इस हिसाब से वो अंदर की ओर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखती। ये महाकाल मंदिर के अंदर का दृश्य है। यहाँ बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मगर विकास दुबे कैमरे के सामने से चहलकदमी करते हुए गुजर रहा है। मंदिर परिसर में ही विकास दुबे सुरक्षा गार्डों के करीब घूम रहा है। ऐसा लगता है वो जानबूझकर सीसीटीवी के सामने से निकल रहा है। ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हों। ये मंदिर के अंदर का अहाता है। अब विकास दुबे कैमरे के सामने से गुजर रहा है। उसकी चाल देखकर ये समझा जा सकता है कि वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। बगैर किसी चिंता के अहाते में आगे बढ़ता जा रहा है विकास दुबे। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का लेस मात्र भी डर दिखाई नहीं दे रहा। महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा ये है विकास दुबे। वो अंदर आता है, महाकाल के भीतरी गेट पर पहुंचता है, महाकाल को प्रणाम करता है और अंदर चला जाता है। ये गेट से अंदर जाने की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे वो महाकाल के सामने सिर झुकाता है और पूजा पाठ करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये मंदिर के बाहरी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। देखिए पूजा पाठ के बाद ये बाहर आ जाता है। यहीं प्रसाद लेने के बाद विकास दुबे ने चिल्लाना शुरू किया था कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला। इन 10 सीसीटीवी तस्वीरों को देखने के बाद यही लग रहा है कि विकास दुबे जानबूझकर कैमरों के सामने घूम रहा था। हो सकता है कि उसे ये लग रहा होगा कि कैमरों में अगर एक बार उसकी तस्वीरें दर्ज हुई और वो सबको बताकर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर नहीं होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास दुबे को उसके किए की सजा मिली। विकास दुबे की मौत से उसके वो रिश्तेदार खुश हैं जिनकी वजह से रिश्तेदार पुलिस के निशाने पर आए। फरीदाबाद में विकास दुबे अपने जिस रिश्तेदार के यहाँ रुका था, सुनिए विकास के एनकाउंटर के बाद वो क्या कह रही हैं। बहुत अच्छा हुआ, देखो बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलेगा, हम तो बहुत खुश हैं। हमने प्रसाद भी चढ़ाया, साईं बाबा में चादर भी चढ़ाएंगे जाके ना, जो इन्होंने हमारी गरीबत में इसने हमारे ये कर दी, ये हमारे घर नहीं आना तो इसको सब जगह पड़ के कहीं भी मरता जाके ना, ये धमकी दे दे के हमारे घर में आया, ये हमारी दशा करके हमारी बहू के होने वाला बताओ, सारे फोन हमारे थाने में रखे, कहाँ से लाएंगे फोन, किससे बात करें बताओ। विकास दुबे ने खुद को बचाने के लिए हर तिकड़म लगाई, रिश्तेदारों को धमकाया, पुलिस को छकाया, खुद का चेहरा महाकाल के दरबार में दर्ज कराया, मगर कहते हैं ना कि अति का अंत निश्चित होता है। विकास दुबे ने भी अपराध की अति कर दी थी। अब ना विकास दुबे है ना उसका खौफ।